नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिनांक 13 अक्टूबर को सिनेमा जगत के महान गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर सुख सेवा संस्थान नशा मुक्ति एवं परामर्श केंद्र चित्तौड़गढ़ पर शुक्रवार को पार्श्व गाय अभिनेता संगीतकार स्वर्गीय किशोर कुमार साहब की याद में कभी अलविदा ना कहना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष गफ्फार पठान ने बताया कि इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के हरफन मौला कलाकार अमित कुमार चेचानी ने किशोर कुमार के गाए गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। संस्थान अध्यक्ष ने कहा कि किशोर कुमार के गाए गीत सुनना मेडिटेशन की तय काम करते हैं, जो एक थेरेपी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कार्यक्रम में संस्थान में कुछ राजरत मरीजों ने भी किशोर कुमार के अपनी पसंद के गीत गाए और भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर कलाकार चेचानी ने कहा कि किशोर कुमार की सदाबहार आवाज का ही जादू है कि आज भी दुनिया उनके गीतों को गुनगुनाती है। काउंसलर प्रभात शर्मा ने बताया कि संस्थान में राजरत मरीजों के लिए समय समय पर विभिन्न सकारात्मक सांस्कृतिक साहित्य व रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन होता रहता है, जिससे मरीजों को नई ऊर्जा मिलती है जो उनके जीवन को खूबसूरत बना सके। काउंसलर प्रभात शर्मा ने कलाकार अमित को इस आयोजन के लिए बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के शोएब पठान, कुलदीप सिंह राठौर, जितेंद्र तोमर, कन्हैया लाल, दिलखुश शर्मा, लकी पठान आदि स्टाफ उपस्थित रहा। सिंगर, डायरेक्टर, एक्टर, मैं अपनी एक निजी राय कह सकता हूँ, मुझे ये इनके गाये हुए गीत मेरे दिल के बड़े करीब लगते हैं। इनके जो गर्व भरे गीत